नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स को लेकर। इनमें दोस्तों पहला टॉपिक है कि अभी आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दो नोटिस जारी हुए हैं। पहला नोटिस है आपका सहायक अभियंता प्रतियोगी परीक्षा 2018 को लेकर, और दूसरा नोटिस है आपका सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 को लेकर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, और आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में राजस्थान पत्रिका की ओर से भी सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए एक कट ऑफ तैयार की गई है कि किस सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जा सकती है। राजस्थान पत्रिका की तरफ से एक कट ऑफ भी आई है। और लास्ट में बात करेंगे हम कि अभी राजस्थान पत्रिका में कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जल्द ही राजस्थान में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए 12,000 पदों पर और भर्ती की जाएगी। और लास्ट में बात करेंगे हम सेकंड ग्रेड भर्ती 2019 को लेकर, जो लगभग आपके 12,000 पदों पर आने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साइड में जो एक घंटी का आइकन है इसको आप दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम राजस्थान गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी अपडेट्स आपको समय पर उपलब्ध करवाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नोटिस है आपका सहायक अभियंता प्रतियोगी परीक्षा 2018 को लेकर। इसकी आपके उत्तर कुंजी यानी आंसर की जारी की गई है, और आप आंसर की पर 12 मार्च से 14 मार्च तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु यहाँ पे आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरा नोटिस है आपके सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 संस्कृत विभाग के लिए, जो आपके संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, उसके लिए आई है। और उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं। अब बात करेंगे हम कि संस्कृत विभाग से पहले जो आपकी सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 हुई थी उसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये राजस्थान पत्रिका की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आपके दिया हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित की गई लिखित परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी हाल ही में जारी कर दी गई है, और जिस पर आपत्तियां भी मांगी गई थी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में सेकेंड ग्रेड टीचर के 8,162 रिक्त पदों को भरने के लिए यह परीक्षा आयोजित की थी, और आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी के बाद परिणाम की तैयारी की जा रही है। और आरपीएससी में बहुत सी भर्तियों के परीक्षा परिणाम के चलते आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 के रिजल्ट में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसी महीने के अंत तक आपका परिणाम जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों, आपका परिणाम 15 मार्च के लगभग आपके जारी किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे कट ऑफ भी दी हुई है कि हिंदी विषय कट ऑफ आपकी 384 से 390 नंबर तक रह सकती है, वहीं इंग्लिश कट ऑफ आपके 376 नंबर तक जाने की संभावना है। गणित विषय की बात करें तो यह 226 तक जा सकती है, वहीं विज्ञान विषय की कट ऑफ 293 तक रह सकती है। संस्कृत विषय की कट ऑफ आपके 378 तक जा सकती है, और लास्ट में आपके सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ आपके पिछली साल की तुलना में कम जाएगी और यह आपके 318 तक जा सकती है। तो यह आपके राजस्थान पत्रिका की तरफ से एक जारी की गई संभावित कट ऑफ थी जो हमने आपको बता दी है, और आपका रिजल्ट जो है वह 15 मार्च के लगभग आपका जारी किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, अभी राजस्थान पत्रिका में 3 से 4 दिन पहले ही एक न्यूज़ और आई थी कि राजस्थान में सेकंड ग्रेड के लगभग 12,000 पद और खाली हैं, और हो सकता है कि आपके जल्द ही इन 10 से 12,000 पदों पर राजस्थान में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जल्द ही राजस्थान में आपके पटवारी, हाईकोर्ट LDC, हाईकोर्ट ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस व रेट के नोटिफिकेशन भी आपके 15 मार्च तक जारी हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां आपके आने वाली हैं। LDC का आपके रिजल्ट आ चुका है, और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आपके लगभग 15 तक आ जाएगा, और आपके हेल्पर 2 का रिजल्ट भी आपके 2 से 3 दिन में आने वाला है। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स के साथ हम जल्दी फिर से आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।